साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नितिन सर और सरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल एचडी पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरीके जॉनरा के प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम बंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज़ के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज़ प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फैन के तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरटेनिंग का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर हुए थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज़ के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा,
आप सभी के लिए इस तरह के जॉनरा रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी के स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्म की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगदे मूवी भी कृति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशली नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है जिसके फैन ने हमें भी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज़ के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से करके 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम चाल मोहन रंगा एक्स लाई श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब यही इन मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारे नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कलानम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी फिल्म की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एक किंग गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के
हिंदी फिल्म के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्म की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को वो सब रिलीज़ के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फ़ैन हैं और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और सरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरीके जॉनरा की प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम बंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज़ के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज़ प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरटेनिंग का आपसे लीड कास्टिंग की काम करी हुई थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे
तब आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके से जॉनर की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, और पिछले टाइम जब इस तरीके से जॉनर की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी फिल्म के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर, और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनर रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए, इस तरीके जॉनर रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी, और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज़ के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी, और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है, और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है, और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी के स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्मों की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनर और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंग दे मूवी भी कृति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया, वो सब कुछ नहीं हो पाया, और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे, और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टोरी के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशली नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें वी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने
पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, शाल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब यही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बोल रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारे नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कलानम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले के लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी भी मेरे तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एक किंग गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्म की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को वो सब रिलीज़ के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फैन हैं और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और सरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरीके जॉनरा की प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है, बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था, बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते हैं आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है, पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी का प्रीमियर कर चुके थे, 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकतम बामशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज़ के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन
इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतज़ार करते ही है। जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरचेंजिंग का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर हुए थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फ़ैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज़ के लिए लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और नितिन सर के फ़ैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए इस तरह के जॉनरा रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी के स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी को हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंग दे मूवी भी कीर्ति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया, वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर, तब जब इन मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी
और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा आप सभी को, वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और कमेंट करिए और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन फैन ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है जिसके फैन ने हमें वी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स और कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्व मूवी के साथ 2002 की जयम छाल मोहन रंगा एक्स लाई श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बन रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारे नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव काला नाम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले के लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी भी मेरे तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एक एंशी किंग गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है। उन मूवीज़ के हिंदी फिल्मों के फैन इस तरह के रिलीज के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्मों की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर OTT प्रीमियर मूवीज, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज फैन है और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज को ज्यादा पसंद करती हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और शरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कन कन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी डबर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार शरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम बंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सैरेला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरटेनिंग काम से लीड कास्टिंग के काम कर हुए थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नेवीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फ़ैन और नितिन सर के फ़ैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारे जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज़ और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए इस तरह के जॉनर रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज़ प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज़ प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज़ के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज़ और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी के स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा
खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्म की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगदे मूवी विकृति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया वो सब कुछ नहीं हो पाया, और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह की प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर, तब जब इन मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, और एक्स्ट्रा की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन फैन ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें वी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्व मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बोल रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कलानम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है, और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले के लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी भी मेरे तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्म की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फैन है और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और शेरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है, और आप लोगों में से कन कन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा।
नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेज़ी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी डबर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सलीना एज लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी प्रीमियर के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी का प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकतम वंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सरलीला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फैन के तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फैन हिंदी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरटेनिंग का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर हुई थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारे जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए, इस तरह के जॉनरा रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ
आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज फिल्म के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो फिल्म के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी की स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्म की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगते मूवी विकृति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया, वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टोरी के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें भी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, शाल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव काला नाम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी फिल्म की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है। उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के फैन इस तरह के रिलीज के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्म की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज फैन है और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज को ज्यादा पसंद करती हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा।
साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नितिन सर और सरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल एचडी पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा के प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सरी लैला एज ए लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी प्रीमियर के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी का प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकाथम बामशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरटेनिंग का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर हुई थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनकी 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी के इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज़ के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा,
आप सभी के लिए इस तरह के जॉनरा रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी के स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगदे मूवी भी कीर्ति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन्हीं मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें भी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही इन मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कलानम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले के लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के
हिंदी फिल्में के फ़ैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्में की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को वो सब रिलीज़ के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर OTT प्रीमियर मूवीज़ वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज़ प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज फैन है और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज को ज्यादा पसंद करती हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और सरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा के प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी का प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को वाकथम बंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज़ के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरटेनिंग का आपसे लीड कास्टिंग की काम करी हुई थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे
तब आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके से जॉनर की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पिछले टाइम जब इस तरीके से जॉनर की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी फिल्म के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज़ के लिए लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें कॉमिक का कॉम भी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनर रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए, इस तरह के जॉनर रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से इन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी की स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्म की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनर और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगदे मूवी भी कीर्ति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया, वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन्हीं मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशली नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्वा मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें भी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने
पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, शालमोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब यही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बोल रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कलानम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले के लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी फिल्म की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्म की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज फैन है और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज को ज्यादा पसंद करती हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और शेरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा के प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है, बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था, बाद में दोस्तों एक्टर ऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार शेरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है, पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है, साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे, 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम बंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, शेरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन
इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतज़ार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरचेंज का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर हुई थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज़ के लिए लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और नितिन सर के फ़ैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर, और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी सारे की काफ़ी सारी जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए इस तरह के जॉनरा रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी, और इस मूवी के हिंदी रिलीज़ प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज़ प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज़ के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी, और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज़ और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है, और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है, और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी की स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी को हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंग दे मूवी भी कीर्ति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया, वो सब कुछ नहीं हो पाया, और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन्हीं मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी
और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टोरी के बारे में जानकारी मिल जाएगा आप सभी को, वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, और एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें वी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए, एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज को लाइक करिएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कलानम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है, और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोगों के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी प्रीमियर की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को, वो सब रिलीज के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज फैन है और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज को ज्यादा पसंद करती हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे नितिन सर और शेरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है, और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा के प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग काम कर रखे है, बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था, बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार शेरी लैला एज ए लीड कास्टिंग काम कर रखी है, पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को, आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी प्रीमियर के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी का प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकाथम बामशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सैरलीला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे हैं। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज़ के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारे मूवी के अंदर इंटरटेनिंग का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर रही थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनर की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज़ के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और नितिन सर के फ़ैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनर रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए इस तरह के जॉनर रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी की स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा
खुश हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्म मेकर तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगदे मूवी विकृति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसके हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया वो सब कुछ नहीं हो पाया, और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह की प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तरफ जब इन मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, और एक्स्ट्रा की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन फैन ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें भी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्व मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही इन मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कलानम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है, और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी फिल्म की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्म की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फैन हैं और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और शेरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क सर काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है, और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद
इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चार्ज से काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी डबर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सनी लियोन एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकाथम्स बॉम्शी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सैरलीला, प्रियंका काजुनिन, सदर नेर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ऐसे मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फैन के तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फैन हिंदी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरचेंज का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर हुए थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्र नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनर की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी फिल्म के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनर रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए इस तरह के जॉनर रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी काम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी
भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्होंने पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी की स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्म की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रखे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगदे मूवी भी कीर्ति सुरेश के साथ एज लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसके हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया, वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर, तब जब इन्हीं मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टोरी के बारे में जानकारी मिल जाएगा, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें भी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही इन मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव काला नाम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी फिल्म की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी फिल्मों के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्मों की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे।
जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फ़ैन हैं और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कॉमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नितिन सर और शेरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल एचडी पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क सर काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा के प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चर्चा काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार शेरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी प्रीमियर के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी का प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम वंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, शेरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज़ के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ऐसे मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरटेनिंग काम से लीड कास्टिंग के काम कर हुई थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक
ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी फिल्म के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें काफी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज और इसी तरह की काफी सारी जॉनरा रिलीज के देखना पसंद करते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए। इस तरह के जॉनरा रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेजी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेजी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टोरी प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर्स की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी की स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था उसके साथ, मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है आप सभी का हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंगदे मूवी विकृति सुरेश के साथ अगर लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है जिसके हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी, जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन्हीं मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा आप सभी को, वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और एक्स्ट्रा मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है जिसके फैन ने हमें भी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। अगर नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही इन मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन मूवी
के रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बन रहिएगा। आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव काला नाम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले के लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी फिल्म की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है। उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी फिल्म की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को वो सब रिलीज़ के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर OTT प्रीमियर मूवीज़ वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फैन हैं और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे नितिन सर और शेरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा के प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चर्चा काफ़ी तेज़ी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था। बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते ही आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार शेरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है। पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम्स वंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, शेरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्ट काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतजार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से
काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरचेंज का आपसे लीड कास्टिंग की काम करी हुई थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनकी 2022 की मच्छिंद्र नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है जिसके हिंदी मीडियो के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेजी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज के लिए भी इंतजार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी फिल्म के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और नितिन सर के फैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए, इस तरह के जॉनरा रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्हें पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी की स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के फिल्मेकर की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है आप सभी को हम प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंग दे मूवी विकृति सुरेश के साथ एज लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है जिसकी हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया वो सब कुछ नहीं हो पाया और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन्हीं मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आप सभी के लिए एक अच्छी और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टूडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा आप सभी को वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और एक्स्ट्रा
मैन की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन सर ने इन्होंने कमेंट्स किया था, विश्वा मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें वी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट बॉक्स और कॉमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरफ ही रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। अगर नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बोल रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव काला नाम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है, और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी प्रीमियर की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी को वो सब रिलीज़ के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फ़ैन हैं और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे नितिन सर और सरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है, और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है, बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चर्चा काफ़ी तेजी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था, बाद में दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी लवर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते हैं आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार सरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है, पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी यह रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे, 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम वंशी ने डायरेक्ट किया था इस मूवी के अंदर, नितिन सर, सरी लैला, प्रियंका काजुनिन, सदर नैर, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे है। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर आर
इस तरह के हिंदी फिल्में के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी फिल्में के रिलीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज फिल्में के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्में के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतज़ार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारे मूवी के अंदर इंटरचेंज का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर हुए थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्र नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी फिल्म के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी के इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी फिल्म के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज़ के लिए लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फ़ैन और नितिन सर के फ़ैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर, और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी सारे की काफ़ी सारे जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्हीं मूवी के रिलीज और प्रीमियर के बारे में अपडेट मिल जाएगा, आप सभी के लिए इस तरह के जॉनर रिलीज के बारे में हम आप सभी को अपडेट भी देंगे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की मूवी इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी, और इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर फैन फिल्मी टाइम्स स्टूडियो के साथ मूवी के रिलीज प्रीमियर के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रखे थे। तो दोस्तों देखते हैं फिल्मी स्टूडियो प्रीमियर फैन और इस मूवी के मेकर की तरफ से जैसे ही मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हिंदी डबिंग के स्टूडियो की तरफ से इस मूवी के रिलीज के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी भी रह जाएगी, और आप सभी के लिए एक बेस्ट मूवी भी कहलाने वाली है। दोस्तों वीडियो के प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हो, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सिनेमाग्राफ रिलीज प्रीमियर के साथ अपडेट में आई हुई मूवी के रिलीज और उन मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम दिलाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी डबिंग स्टूडियो प्रीमियर के साथ रह चुकी है, और इस मूवी के टीजर और टाइटल ट्रेलर देखने के तुरंत ही मेकर्स और डेवलपर्स लोग काफ़ी खुश हो रहे थे मूवी को हिंदी पर देखने के लिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मूवी को डबिंग स्टूडियो की तरफ से हिंदी में डब कर दिया जा चुका है, और इस मूवी को एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिक और एक काफ़ी बेहतरीन एक्शन रोमांटिक मूवी की तरह देख रखे हैं। नितिन सर की ग्राफिंग के साथ विश्वा मूवी में जिस तरह से उन्होंने पॉपुलरिटी गेन किया था, विश्वा मूवी में उन्होंने एज अ लीड कास्टिंग काम किया था रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना के साथ उन्होंने पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, जो पॉपुलर मूवी की तरह रह चुका। मूवी के स्टोरी गाने काफ़ी हिट रहा था, उसके साथ मूवी में काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी किरदार देखने को मिल जाती थी। वो सब देखने के साथ मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं साउथ इंडस्ट्री और हिंदी डबिंग स्टूडियो के प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब भी इस तरह के जॉनरा और सिनेमा के बारे में अपडेट मिल जाती है, आप सभी का प्रीमियर फैन के तरफ से ही इन मूवी के रिलीज के बारे में जानकारी करवाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ 2021 की रंग दे मूवी भी कीर्ति सुरेश के साथ लीड कास्ट में बनी हुई मूवी में से एक रही है, जिसके हिंदी डबिंग फैन डब की तरफ से रह गई थी। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रह गया, वो सब कुछ नहीं हो पाया, और जिस तरह से लोगों को और मेकर्स को इस तरह के प्रीमियर मूवी देखने को मिला था, वो सब उन सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी फिल्म के फैन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर तब जब इन्हीं मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी फिल्म के फैन की तरफ से जब भी मूवी के प्रीमियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक अच्छी
और प्रीमियर फैन की तरफ से मूवी प्रीमियर की रिलीज रह जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट मूवी ये लगेगी। और रिलीज प्रीमियर के साथ हम आप सभी को अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी हिट मूवी के बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। और प्रीमियर फैन की तरफ से जब भी मूवी के बारे में रिलीज और उन मूवीज़ के डबिंग स्टोरी के बारे में जानकारी मिल जाएगा आप सभी को, वो सब रिलीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, और एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की हिंदी प्रीमियर के रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी बेस्ट चॉइस मूवी भी रहने वाली है। स्पेशल नितिन फैन ने इन्होंने कॉमेंट्स किया था, विश्व मूवी के हिंदी प्रीमियर भी ऑलरेडी रिलीज के साथ हो चुका है, जिसके फैन ने हमें वी रिलीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो दोस्तों बैक टू बैक सिनेमाग्राफ की तरफ से रिलीज में आई मूवी के साथ साथ हिंदी प्रीमियर की तरफ से आई हुई मूवी की रिलीज आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करिए, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी की तरह भी रह जाए। और सिनेमाग्राफ की तरफ से साउथ इंडस्ट्री की मूवी और साउथ हिंदी डब मूवीज के प्रीमियर फैन ने पिछले टाइम बैक टू बैक रिलीज और सिनेमा रिलीज की मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। दोस्तों आप लोगों में से कर 2016 की और साथ ही साथ 2020 की विश्वा मूवी के साथ 2002 की जयम, छल मोहन रंगा, एक्स लाई, श्रीनिवास कल्याणम जैसी काफ़ी सारे हिट मूवी देखने को मिल चुका है। अगर नितिन सर बैक टू बैक पॉपुलर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनकी प्रीमियर फैन की तरफ से जब ही इन मूवी के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन मूवी के रिलीज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी सारे नए मूवी के बारे में अपडेट मिल जाएगा आप सभी के लिए, एक बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ रहिएगा, आप सभी में से कौन कौन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो आप हमारे इन वीडियोज को लाइक करिएगा, और अपकमिंग डेज में आप सभी को हम काफ़ी सारी नई मूवी के बारे में भी जानकारी करवाएंगे। और श्रीवास्तव कल्याणम एक पॉपुलर मूवी रह चुका है, और फैमिली ड्रामा मूवी पसंद करने वाले लोग के लिए भी एक बेस्ट चॉइस मूवी रह चुकी है। बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर रिलीज में आई मूवी प्रीमियर की तरफ से जब भी मूवी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी चॉइस मूवी रह जाती है। और एकेंशी किंग, गुंटूर क्रम जैसी कुछ पॉपुलर मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के रिलीज़ के लिए भी काफ़ी खुश हो रहे थे। देखते हैं अपकमिंग डेज में मूवी प्रीमियर की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप सभी को, वो सब रिलीज़ के बारे में अपडेट देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी साउथ की तरफ से हिंदी डबिंग में आने वाली नेटफ्लिक्स प्रीमियर, OTT प्रीमियर मूवीज़, वो सब आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। वीडियो प्रीमियर पर रहेगा, अपकमिंग डेज में आप सभी का हम बैक टू बैक रिलीज प्रीमियर के साथ में आई हुई सिनेमाग्राफिक हिंदी एक्शन मूवी की इन्फॉर्मेशन दिलाए देंगे, जो आप सभी के लिए एक अच्छी और ग्रेटेस्ट वाइज मूवी भी रह जाएगी। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ फ़ैन हैं और आप सभी को स्पेशली साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट वाइज मूवी रह जाएगी। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2023 की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे नितिन सर और शेरी लैला के लीड कास्ट में बनी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फुल HD पर हिंदी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली मोशन जैसी काफ़ी सारी डिजिटल नेटवर्क के सर काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में फाइनली आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वन ऑफ द पॉपुलर बेहतरीन मूवी है, और आप लोगों में से कनकन इस मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए इंतजार कर रखे हो और इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। नितिन सर ने काफ़ी समय के बाद इस मूवी के अंदर एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखे है, बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर उनकी चर्चे काफ़ी तेज़ी से फैल रखा है। पिछले टाइम उनकी कुछ पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तहलका पीट रहा था, बाद में दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के रिलीज के साथ साथ इस मूवी के हिंदी डबर्स और प्रीमियर फैन मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रखे। इस मूवी का ट्रेलर और टाइटल टीजर देखते हैं आप सभी को मालूम पड़ जाएगा ये मूवी किस लेवल की मूवी है, इस मूवी की कहानी जान रहा है, एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगी आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन मूवी और नितिन सर की एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर पहली बार शेरी लैला एज अ लीड कास्टिंग काम कर रखी है, पॉपुलर मूवी की तरह आप सभी को ये मूवी लग जाएगा। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जब इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी आप सभी को, आज की इस वीडियो में मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवा रखे है। साथ ही साथ इस मूवी के यूट्यूब रिलीज क्या होगा, हिंदी प्रीमियर के फैन की तरफ से इस मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन मूवी से जुड़ी अपडेट मिली हुई थी, साथ ही साथ इस तरह के डबिंग प्रीमियर के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक पॉपुलर मूवी ये रह चुकी है। और ये मूवी के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मूवी के प्रीमियर कर चुके थे। 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी को। वाकथम्स वंशी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के अंदर नितिन सर, सरलीला, प्रियंका काजुनिन, सदर ने, हरितेज जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। नितिन सर वन ऑफ द पॉपुलर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं। पॉपुलरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन की हिंदी प्रीमियर के चर्चे ही उसी साथ हो गया था। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनर और इस तरह के हिंदी प्रीमियर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के हिंदी प्रीमियर के रिलीज़ के लिए भी इंतजार कर रखे थे। बाद में मूवी के चर्चे रिलीज़ के साथ साथ इस तरह के जॉनर के रिलीज प्रीमियर के होने लगे, जिसके आप सभी के लिए ये सब मूवी एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह चुकी थी। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और हिंदी प्रीमियर के फैन इस तरह के सिनेमा रिलीज़ के लिए इंतज़ार करते ही है, जिससे आप सभी को मालूम है मूवी प्रीमियर के फ़ैन की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब मूवी रिलीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाती है। मूवी प्रीमियर के फ़ैन हिंदी प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काफ़ी सारे लोग की तरफ से जब मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी रहने वाली है। नितिन सर ने पिछले टाइम हिंदी डबिंग की तरह से काफ़ी सारी मूवी के अंदर इंटरचेंज का आपसे लीड कास्टिंग के काम कर रही थी। आप सभी को बता दें उन्होंने 2020 की विश्वा मूवी को जब लीड कास्टिंग काम कर चुके थे, जिनमें से उनके 2022 की मच्छिंद्रा नावीजू की उनकी एक बेहतरीन मूवी रही और 2021 की रंग दे मूवी भी उनकी एक हिट मूवी में से एक रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रंग दे मूवी भी उनकी हिट मूवी में से एक मूवी है, जिसके हिंदी प्रीमियर के साथ रिलीज के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर और मेकर इस तरह के रिलीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। डबिंग स्टूडियो प्रीमियर फैन की तरफ से जब इस तरह के मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने लगे, तब आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई थी। मूवी के हिंदी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जॉनरा की प्रीमियर मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पिछले टाइम जब इस तरह के जॉनरा की मूवी के प्रीमियर फैन की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, आप सभी को हम अपडेट दे चुके थे मूवी को लेकर। हिंदी प्रीमियर के फैन स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हिंदी रिलीज के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी की तरह रह जाएगा। मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और नितिन सर के फ़ैन, उन्होंने ही हमें काफ़ी कमेंट किया था मूवी को लेकर। और बैक टू बैक सिनेमाग्राफ पर इन मूवीज़ के हिंदी चर्चे होने के तुरंत ही मूवी के रिलीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवीज़ और इसी तरह की काफ़ी सारी जॉनरा रिलीज़ के देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी और बेस्ट चॉइस मूवी भी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए।